بله. इमोशनल सीन था जब वो अपने दोस्त को बता रहा था विकी कौशल को सारी स्टोरी की कैसे जो है उनसे अलग हुआ था, वो एकदम फैंटास्टिक है। 5/4। ओके थैंक यू। बहुत अच्छी लगी मैम। 4.5। अरे बोलो ना। बहुत अच्छी लगी जो उसने ड्रग छोड़ दिया और लाइफ न्यू से चालू के, बहुत अच्छी है ऐसा। 5 स्टार पूरा। यस थैंक यू। इट वाज अ वेरी गुड मूवी। द मूवी वाज रियली नाइस, थैंक यू। I think 5/5, my husband is a Sanjay Dutt fan, so we had to watch it first day for sure. It's an amazing movie. I think he's not a terrorist. Yeah, he's inspiring for it. Yeah, father and son relationship is very good. 5/5. बहुत आउटस्टैंडिंग पिक्चर है। और प्लीज़ मेरा ये मैसेज रणवीर कपूर के पास जरूर पहुंचाना कि यहाँ से उनकी लाइफ ना इतने टॉप पे पहुंचने वाली है। सच में पूरे पिक्चर में मैं बहुत रोई हूँ और इतनी अच्छी एक्टिंग की है रणवीर कपूर ने। और संजू बाबा के लिए भी मुझे सच में बहुत दुख हुआ, कितना झेला है उन्होंने। और सच में वैसे तो मैं सलमान खान की फ़ैन हूँ, पर आज से ना मैं रणवीर कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। प्लीज़ उनके पास ये मैसेज जरूर पहुँचा। जो लास्ट वाला मुझे संजय दत्त और रणवीर कपूर वाला बहुत अच्छा लगा। और पूरे पिक्चर में जो एक सुनील दत्त और संजय दत्त के लिए जो परेश रावल और रणवीर कपूर का जो पूरा सॉन्ग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो 5 में से 10 दूंगी, इतना अच्छा। सच में बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी पिक्चर, क्लास मूवी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम किया। जो आखिरी सीन परेश रावल और संजय दत्त का था जो फ्लैशबैक में दिखाते हैं, बहुत क्लास मोमेंट था वो, बहुत अच्छा लगा मुझे। गाने भी अच्छे हैं उसके, स्टोरी बाकी पिक्चर अच्छी है। देख लो 4। बहुत अच्छी थी पिक्चर और संजय दत्त की रियल स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। एक्टिंग की बात की तो एक्चुअली मेरे को नहीं लगता कि रणवीर कपूर के अलावा ये कोई अच्छा एक्टिंग कर सकता था, काफ़ी रोल जचा है इन पर। आई थिंक 5 स्टार देना चाहिए। फैंटास्टिक, एकदम जैसा सोचा था उससे उम्मीद से भी ज़्यादा। इसमें रणवीर कपूर की काफ़ी मेहनत दिखाई दे रही है। उसमें जो कमलेशा करेक्टर था वो बहुत 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 अच्छा करेक्टर था और उन्होंने जो मेहनत करी है, जो उनकी एक्टिंग थी वो लाजवाब थी। इसके मुकाबले कोई नहीं। फुल 5। बनी मूवी बहुत अच्छी थी नो डाउट। और मैं कह रहा हूँ जैसे ऐतिहासिक मूवी बननी चाहिए थी उसी टाइप की मूवी बनी है बायोपिक संजय दत्त के ऊपर। और 5/5 और रणबीर कपूर इज़ द ऑसम एंड द बेस्ट एक्टर इन द। इतनी अच्छी थी कि आज का टैगलाइन मुझे सूत्रों के अनुसार छपा अखबार। अरे एक नंबर लगा मूवी, सही थी, बेस्ट। कुछ नहीं, बस मेरे को ऐसे डैडी चाहिए था एक संजय दत्त जैसा। कुछ नहीं, अच्छा था। गुड मूवी, इट्स अ गुड मूवी, इट्स रियली। जो डैड वाला सीन था वो बहुत अच्छा था। आई वुड गिव इट अ 4.5। बहुत अच्छी, रणबीर इज सुपर्ब, बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत अच्छी। गाना भी बहुत अच्छा है एंड लाइक उसमें एंड लाइक ग्राफिक्स जो डाले, मतलब VFX इसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मूवी है, मतलब मच मस्ट वॉच। बेस्ट सीन इमोशनल जो दिखा है ना वो संजय दत्त और उसके डैड के साथ, वो बहुत अच्छा था। लाइक फुल 5/5। बहुत ज़बरदस्त है।
एंड का बाबा बोलता है अभी बस हो गया वही बस 5 out of 5 फुल अरे बहुत जबरदस्त पिक्चर है थैंक यू हाँ जी बेटा हाँ मुझे बहुत अच्छा मुझे तो राजकुमार हिरानी साहब को कहना कि भगवान करे बहुत साल जिए और ऐसी फिल्में बनाते रहे गुड संजय दत्त के लिए तो सबको सुधार ही देगा ना वो और रणबीर कपूर के लिए? कमाल है कितने स्टार्स देना चाहेंगे 5 सारे ओके बेटा मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी और मैं फ़ख्र करता हूँ कि राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर हमारे बॉलीवुड में हैं और संजू बाबा की लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग लाइफ है और मूवी के मतलब एक्टरों की बात करें तो विक्की कौशल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और बहुत सुपर एक्टर है वो और पिक्चर सभी पिक्चर के जैसे जैसे राजकुमार हिरानी साहब की बाकी और पिक्चर्स है हंसाती हैं रुलाती है मोटिवेट करती है मुझे पिक्चर बहुत पसंद आई मैं 5 देना चाहूँगा सीखने मिले कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए कैसी भी सिचुएशन हो कुछ भी हो मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगा बहुत सारी प्रेरणा मिली है मूवी से और मैं बहुत खुश हुआ पिक्चर देख के थैंक यू तो ये थी दर्शकों की राय फिल्म संजू को लेकर इसके पहले फिल्म आई थी MS धोनी पर जो बनी थी लोगों को खूब पसंद आई थी लेकिन जब संजू आई है जो लोगों के दिलों पर राज कर रही है और साथ ही साथ उन्हें खूब पसंद भी आ रही है और इस फिल्म में लोगों दर्शकों को फिल्म की स्टार कास्ट की एक्टिंग हो या गाने हो या फिल्म की कहानी हो खूब पसंद आ रही है और लोग इस फिल्म को सराह रहे हैं कैमरामैन खालिद के साथ ज्योति शर्मा लहरी टीवी इमोशनल सीन था जब वो अपने दोस्त को बता रहा था विकी कौशल को सारी स्टोरी की कैसे जो है उनसे अलग हुआ था वो एकदम फैंटास्टिक हाँ 5 out of 4 ओके थैंक यू बहुत अच्छी लगी मैम 4.5 अरे बोलो ना बहुत अच्छी लगी तो उसने ड्रग छोड़ दिया और लाइफ न्यू से चालू किया बहुत अच्छी है ऐसा 5 पूरा यस थैंक यू इट वाज अ वेरी गुड मूवी द मूवी वाज रियली नाइस थैंक यू I think 5 on 5, my husband is a Sanjay Dutt fan, so we had to watch it birthday for sure. It's an amazing movie. I think he's not a terrorist. He's inspiring for it. Yeah, father and son relationship is very good. 5 on 5. बहुत आउटस्टैंडिंग पिक्चर है और प्लीज़ मेरा ये मैसेज रणवीर कपूर के पास जरूर पहुंचाना कि यहाँ से उनकी लाइफ ना इतने टॉप पे पहुंचने वाली है सच में पूरे पिक्चर में मैं बहुत रोई हूँ और इतनी अच्छी एक्टिंग की है रणवीर कपूर ने और संजू बाबा के लिए भी मुझे सच में बहुत दुख हुआ कितना झेला है उन्होंने और सच में वैसे तो मैं सलमान खान की फ़ैन हूँ पर आज से ना मैं रणवीर कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ प्लीज़ उनके पास ये मैसेज जरूर पहुँचाना जो लास्ट वाला मुझे संजय दत्त और रणवीर कपूर वाला बहुत अच्छा लगा और पूरे पिक्चर में जो एक सुनील दत्त और संजय दत्त के लिए जो परेश रावल और रणवीर कपूर का जो पूरा सॉन्ग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा मैं तो 5 out of 10 दूंगी इतना अच्छा सच में बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी पिक्चर क्लास मूवी है बहुत अच्छा काम किया जो आखिरी सीन परेश रावल और संजय दत्त का था जो फ्लैशबैक में दिखाते हैं बहुत क्लास मोमेंट था वो बहुत अच्छा लगा मुझे गाने भी अच्छे हैं उसके स्टोरी बाकी पिक्चर अच्छी है देख लें 4 बहुत अच्छी थी पिक्चर और संजय दत्त की रियल स्टोरी काफ़ी अच्छी थी
एक्टिंग की बात की तो एक्चुअली मेरे को नहीं लगता कि रणवीर कपूर के अलावा ये कोई अच्छा एक्टिंग कर सकता था, काफ़ी रोल जचा है इन पर, आई थिंक 5 स्टार देना चाहिए। फैंटास्टिक, एकदम जैसा सोचा था उससे उम्मीद से भी ज़्यादा, इसमें रणवीर कपूर की काफ़ी मेहनत दिखाई दे रही है। उसमें जो कमलेश का करेक्टर था वो बहुत 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 अच्छा करेक्टर था, और उन्होंने जो मेहनत करी है, जो उनकी एक्टिंग थी वो लाजवाब थी। इसके मुकाबले कोई नहीं। फुल 5। बनी मूवी बहुत अच्छी थी नो डाउट, और मैं कह रहा हूँ जैसे ऐतिहासिक मूवी बननी चाहिए थी उसी टाइप की मूवी बनी है बायोपिक संजय दत्त के ऊपर, और 5/5 पॉइंट, और रणबीर कपूर इज द ऑसम एंड द बेस्ट एक्टर इन द। इतनी अच्छी थी कि आज का टैगलाइन मुझे सूत्रों के अनुसार छपा अखबार। अरे एक नंबर लगा मूवी, सही थी, बेस्ट। कुछ नहीं, बस मेरे को ऐसे डैडी चाहिए था एक संजय दत्त जैसा। गुड मूवी, इट्स अ गुड मूवी, इट्स रियली। जो डैड वाला सीन था वो बहुत अच्छा था, आई वुड गिव इट अ 4.5। बहुत अच्छी, रणबीर इज सुपर्ब, बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत अच्छी, गाना भी बहुत अच्छा है, एंड लाइक उसमें एंड लाइक ग्राफिक्स जो डाले, मतलब VFX इसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मूवी है, मतलब मच मस्ट वॉच। बेस्ट सीन इमोशनल जो दिखा है ना वो संजय दत्त और उसके डैड के साथ, वो बहुत अच्छा था, लाइक फुल 5। बहुत जबरदस्त है। कौन सा बेस्ट सीन है? एंड का बाबा बोलता है अभी बस हो गया। वही बेस्ट। 5 out of 5 फुल। अरे बहुत जबरदस्त पिक्चर है। थैंक यू। हाँ जी बेटा, हाँ मुझे बहुत अच्छा, मुझे तो राजकुमार हिरानी साहब को कहना कि भगवान करे बहुत साल जिए और ऐसी फिल्में बनाते रहे। गुड। संजय दत्त के लिए तो सबको सुधार ही देगा ना वो, कमाल है। कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 5/5 सारे। ओके बेटा, कैसे लगे आपको? मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी, और मैं फख्र करता हूँ कि राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर हमारे बॉलीवुड में है, और संजू बाबा की लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग लाइफ है, और मूवी के मतलब एक्टरों की बात करें तो विक्की कौशल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और बहुत सुपर एक्टर है वो, और पिक्चर सभी पिक्चर के जैसी है जैसे राजकुमार हिरानी साहब की बाकी और पिक्चर्स है, हंसाती है, रुलाती है, मोटिवेट करती है, मुझे पिक्चर बहुत पसंद आई, मैं 5 स्टार देना चाहूँगा। सीखने मिले कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगा, बहुत सारी प्रेरणा मिली है मूवी से, और मैं बहुत खुश हुआ पिक्चर देख के। थैंक यू। तो ये थी दर्शकों की राय फिल्म संजू को लेकर। इसके पहले फिल्म आई थी MS धोनी पर जो बनी थी, लोगों को खूब पसंद आई थी, लेकिन जब संजू आई है जो लोगों के दिलों पर राज कर रही है, और साथ ही साथ उन्हें खूब पसंद भी आ रही है, और इस फिल्म में लोगों दर्शकों को फिल्म की स्टार कास्ट की एक्टिंग हो या गाने हो या फिल्म की कहानी हो, खूब पसंद आ रही है और लोग इस फिल्म को सराह रहे हैं। कैमरामैन खालिद के साथ ज्योति शर्मा, लहरी TV। इमोशनल सीन था जब वो अपने दोस्त को बता रहा था विकी कौशल को सारी स्टोरी की, कैसे जो है उनसे अलग हुआ था, वो एकदम फैंटास्टिक। 5/4। ओके थैंक यू। बहुत अच्छी लगी।
4.5. अरे बोलो ना, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। तो उसने ड्रग छोड़ दिया और लाइफ न्यू से चालू की। बहुत अच्छी है ऐसा, 5 स्टार पूरा। यस, थैंक यू। It was a very good movie. The movie was really nice. Thank you. I think 5 on 5. My husband is a Sanjay Dutt fan, so we had to watch it first day for sure. It's an amazing movie. I think he's not a terrorist. Yeah, he's inspiring for it. Yeah, father and son relationship is very good. 5 on 5. बहुत आउटस्टैंडिंग पिक्चर है और प्लीज़ मेरा ये मैसेज रणवीर कपूर के पास जरूर पहुंचाना कि यहाँ से उनकी लाइफ ना इतने टॉप पे पहुंचने वाली है। सच में पूरे पिक्चर में मैं बहुत रोई हूँ और इतनी अच्छी एक्टिंग की है रणवीर कपूर ने। और संजू बाबा के लिए भी मुझे सच में बहुत दुख हुआ, कितना झेला है उन्होंने। और सच में वैसे तो मैं सलमान खान की फ़ैन हूँ, पर आज से ना मैं रणवीर कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। प्लीज़ उनके पास ये मैसेज जरूर पहुँचाना। जो लास्ट वाला मुझे संजय दत्त और रणवीर कपूर वाला बहुत अच्छा लगा, और पूरे पिक्चर में जो एक सुनील दत्त और संजय दत्त के लिए जो परेश रावल और रणवीर कपूर का जो पूरा सॉन्ग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो 5 में से 10 दूंगी, इतना अच्छा। सच में बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी पिक्चर, क्लास मूवी है। बहुत अच्छा काम किया। जो आखिरी सीन परेश रावल और संजय दत्त का था, जो फ्लैशबैक में दिखाते हैं, बहुत क्लास मोमेंट था वो। बहुत अच्छा लगा मुझे। गाने भी अच्छे हैं उसके, स्टोरी बाकी पिक्चर अच्छी है। देख लो, 4। बहुत अच्छी थी पिक्चर और संजय दत्त की रियल स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। एक्टिंग की बात की तो एक्चुअली मेरे को नहीं लगता कि रणवीर कपूर के अलावा ये कोई अच्छा एक्टिंग कर सकता था। काफ़ी रोल जचा है इन पर। आई थिंक 5 स्टार देना चाहिए। फैंटास्टिक, एकदम जैसा सोचा था उससे उम्मीद से भी ज़्यादा। इसमें रणवीर कपूर की काफ़ी मेहनत दिखाई दे रही है। उसमें जो कमलेश का करेक्टर था वो बहुत 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 अच्छा करेक्टर था, और उन्होंने जो मेहनत करी है, जो उनकी एक्टिंग थी वो लाजवाब थी। इसके मुकाबले कोई नहीं। बनी मूवी बहुत अच्छी थी, नो डाउट। और मैं कह रहा हूँ जैसे ऐतिहासिक मूवी बननी चाहिए थी, उसी टाइप की मूवी बनी है बायोपिक संजय दत्त के ऊपर। और 5 पॉइंट और रणबीर कपूर इज द ऑसम एंड द बेस्ट एक्टर इन द। इतनी अच्छी थी कि आज का टैगलाइन मुझे सूत्रों के अनुसार छपा अखबार। अरे एक नंबर लगा मूवी, सही थी, बेस्ट। कुछ नहीं, बस मेरे को ऐसे डैडी चाहिए था, एक संजय दत्त जैसा। कुछ नहीं, अच्छा था। गुड मूवी, इट्स अ गुड मूवी, इट्स रियली। जो डैड वाला सीन था वो बहुत अच्छा था। आई वुड गिव इट अ 4.5। बहुत अच्छी, रणबीर इज सुपर्ब। बहुत अच्छी एक्टिंग किया, बहुत अच्छी। गाना भी बहुत अच्छा है, एंड लाइक उसमें एंड लाइक ग्राफिक्स जो डाले, मतलब VFX इसे बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी मूवी है, मतलब मच मस्ट वॉच। बेस्ट सीन इमोशनल जो दिखा है ना, वो संजय दत्त और उसके डैड के साथ, वो बहुत अच्छा था। लाइक फुल 5। बहुत जबरदस्त है। कौन सा बेस्ट सीन है? एंड का बाबा बोलता है अभी बस हो गया। वही बेस्ट। 5 out of 5 फुल। अरे बहुत जबरदस्त पिक्चर है। थैंक यू। हाँ जी बेटा, हाँ मुझे बहुत अच्छा। मुझे तो राजकुमार हिरानी साहब को कहना कि भगवान करे बहुत साल जिए और ऐसी फिल्में बनाते रहे। गुड।
संजय दत्त के लिए तो सबको सुधार ही देगा ना वो, कमाल है। कितने स्टार्स देना चाहेंगे पांच में से? सारे। ओके बच्चे, मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी और मैं फख्र करता हूँ कि राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर हमारे बॉलीवुड में हैं। और संजू बाबा की लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग लाइफ है। और मूवी के मतलब एक्टरों की बात करें तो विक्की कौशल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और बहुत सुपर एक्टर है वो। और पिक्चर सभी पिक्चर के जैसी है जैसे राजकुमार हिरानी साहब की बाकी और पिक्चर्स है, हंसाती है, रुलाती है, मोटिवेट करती है। मुझे पिक्चर बहुत पसंद आई, मैं 5 स्टार देना चाहूँगा। सीखने मिले कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो। मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगा, बहुत सारी प्रेरणा मिली है मूवी से और मैं बहुत खुश हुआ पिक्चर देख के। थैंक यू। तो ये थी दर्शकों की राय फिल्म संजू को लेकर। इसके पहले फिल्म आई थी MS धोनी पर जो बनी थी, लोगों को खूब पसंद आई थी, लेकिन जब संजू आई है जो लोगों के दिलों पर राज कर रही है और साथ ही साथ उन्हें खूब पसंद भी आ रही है। और इस फिल्म में लोगों दर्शकों को फिल्म की स्टार कास्ट की एक्टिंग हो या गाने हो या फिल्म की कहानी हो खूब पसंद आ रही है और लोग इस फिल्म को सराह रहे हैं। कैमरामैन खालिद के साथ ज्योति शर्मा, लहरी टीवी। इमोशनल सीन था जब वो अपने दोस्त को बता रहा था विकी कौशल को सारी स्टोरी की कैसे जो है उनसे अलग हुआ था, वो एकदम फैंटास्टिक। 5/4। ओके थैंक यू। बहुत अच्छे लगे मैम। 4.5। अरे बोलो ना। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। जो उसने ड्रग छोड़ दिया और लाइफ न्यू से चालू किए, बहुत अच्छी है। ऐसा 5 स्टार पूरा। यस थैंक यू। इट वाज अ वेरी गुड मूवी। द मूवी वाज रियली नाइस। थैंक यू। I think 5/5, my husband is a Sanjay Dutt fan, so we had to watch it first day for sure. It's an amazing movie. I think he's not a terrorist. Yeah, it's, he's inspiring for it. Yeah, father and son relationship is very good. 5/5. बहुत आउटस्टैंडिंग पिक्चर है और प्लीज़ मेरा ये मैसेज रणवीर कपूर के पास जरूर पहुंचाना कि यहाँ से उनकी लाइफ ना इतने टॉप पे पहुंचने वाली है। सच में पूरे पिक्चर में मैं बहुत रोई हूँ और इतनी अच्छी एक्टिंग की है रणवीर कपूर ने। और संजू बाबा के लिए भी मुझे सच में बहुत दुख हुआ, कितना झेला है उन्होंने। और सच में वैसे तो मैं सलमान खान की फ़ैन हूँ पर आज से ना मैं रणवीर कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। हाँ प्लीज़ उनके पास ये मैसेज जरूर पहुँचाना। जो लास्ट वाला मुझे संजय दत्त और रणवीर कपूर वाला बहुत अच्छा लगा और पूरे पिक्चर में जो एक सुनील दत्त और संजय दत्त के लिए जो परेश रावल और रणवीर कपूर का जो पूरा सॉन्ग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो 5 में से 10 दूंगी, इतना अच्छा। सच में बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी पिक्चर। क्लास मूवी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम किया। जो आखिरी सीन परेश रावल और संजय दत्त का था जो फ्लैशबैक में दिखाते हैं, बहुत क्लास मोमेंट था वो, बहुत अच्छा लगा मुझे। गाने भी अच्छे हैं उसके, स्टोरी बाकी पिक्चर अच्छी है। देख लो 4। बहुत अच्छी थी पिक्चर और संजय दत्त की रियल स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। एक्टिंग की बात की तो एक्चुअली मेरे को नहीं लगता कि रणवीर कपूर के अलावा ये कोई अच्छा एक्टिंग कर सकता था, काफ़ी रोल जचा है इन पर। आई थिंक 5 स्टार देना चाहिए। फैंटास्टिक, एकदम जैसा सोचा था उससे उम्मीद से भी ज़्यादा। इसमें रणवीर कपूर की काफ़ी मेहनत दिखाई दे रही है।
उसमें जो कमलेश का करेक्टर था वो बहुत 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 अच्छा करेक्टर था और उन्होंने जो मेहनत करी है, जो उनकी एक्टिंग थी वो लाजवाब थी। इसके मुकाबले कोई नहीं। फुल ऑन फाइव बनी मूवी बहुत अच्छी थी नो डाउट। और मैं कह रहा हूँ जैसे ऐतिहासिक मूवी बननी चाहिए थी उसी टाइप की मूवी बनी है बायोपिक संजय दत्त के ऊपर। और 5/5 पॉइंट और रणबीर कपूर इज द ऑसम एंड द बेस्ट एक्टर इन द इतनी अच्छी थी कि आज का टैगलाइन मुझे सूत्रों के अनुसार छपा अखबार। अरे एक नंबर लगा मूवी सही थी बेस्ट। कुछ नहीं बस मेरे को ऐसे डैडी चाहिए था एक संजय दत्त जैसा। कुछ नहीं गुड मूवी इट्स अ गुड मूवी इट्स रियली। जो डैड वाला सीन था वो बहुत अच्छा था। आई वुड गिव इट अ 4.5। बहुत अच्छी रणबीर सुपर्ब बहुत अच्छी एक्टिंग है बहुत अच्छी। गाना भी बहुत अच्छा है एंड लाइक उसमें एंड लाइक ग्राफिक्स जो डाले मतलब VFX इसे बहुत अच्छा है बहुत अच्छी मूवी है मतलब मच मस्ट वॉच। बेस्ट सीन इमोशनल जो दिखा है ना वो संजय दत्त और उसके डैड के साथ वो बहुत अच्छा था लाइक फुल फाय फुल। बहुत जबरदस्त है। कौन सा बेस्ट सीन है एंड का? बाबा बोलता है अभी बस हो गया। वही बस 5/5 फुल। अरे बहुत जबरदस्त पिक्चर है। थैंक यू। हाँ जी बेटा। हाँ मुझे बहुत अच्छा, मुझे तो राजकुमार हिरानी साहब को कहना कि भगवान करे बहुत साल जिए और ऐसी फिल्में बनाते रहे। गुड। संजय दत्त के लिए तो सबको सुधार ही देगा ना वो। कमाल है। कितने स्टार्स देना चाहेंगे 5/5? सारे। ओके बेटा। कैसे लगे आपको? मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी और मैं फख्र करता हूँ कि राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर हमारे बॉलीवुड में हैं। और संजू बाबा की लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग लाइफ है। और मूवी के मतलब एक्टरों की बात करें तो विक्की कौशल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और बहुत सुपर एक्टर है वो। और पिक्चर सभी पिक्चर के जैसी है जैसे राजकुमार हिरानी साहब की बाकी और पिक्चर से हंसाती है रुलाती है मोटिवेट करती है। मुझे पिक्चर बहुत पसंद आई। मैं 5 स्टार देना चाहूँगा। सीखने मिले कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए कैसी भी सिचुएशन हो कुछ भी हो। मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगा बहुत सारी प्रेरणा मिली है मूवी से और मैं बहुत खुश हुआ पिक्चर देख के। थैंक यू। तो ये थी दर्शकों की राय फिल्म संजू को लेकर। इसके पहले फिल्म आई थी MS धोनी पर जो बनी थी लोगों को खूब पसंद आई थी लेकिन जब संजू आई है जो लोगों के दिलों पर राज कर रही है और साथ ही साथ उन्हें खूब पसंद भी आ रही है। और इस फिल्म में लोगों दर्शकों को फिल्म की स्टार कास्ट की एक्टिंग हो या गाने हो या फिल्म की कहानी हो खूब पसंद आ रही है और लोग इस फिल्म को सराह रहे हैं। कैमरामैन खालिद के साथ ज्योति शर्मा लहरे TV। इमोशनल सीन था जब वो अपने दोस्त को बता रहा था विकी कौशल को सारी स्टोरी की कैसे जो है उनसे अलग हुआ था वो एकदम फैंटास्टिक। 5/4। ओके थैंक यू। बहुत अच्छी लगी मैम। 4.5। अरे बोलो ना। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। जो उसने ड्रग छोड़ दिया और लाइफ न्यू से चालू की बहुत अच्छी है। ऐसा 5 स्टार पूरा। हाँ यस थैंक यू।
It was a very good movie. The movie was really nice. Thank you. I think 5 on 5, my husband is a Sanjay Dutt fan, so we had to watch it first day for sure. It's an amazing movie. I think he's not a terrorist. Yeah, it's he's inspiring for it. Yeah, father and son relationship is very good. 5 on 5. बहुत आउटस्टैंडिंग पिक्चर है और प्लीज़ मेरा ये मैसेज रणवीर कपूर के पास जरूर पहुंचाना कि यहाँ से उनकी लाइफ ना इतने टॉप पे पहुंचने वाली है. सच में पूरे पिक्चर में मैं बहुत रोई हूँ और इतनी अच्छी एक्टिंग की है रणवीर कपूर ने. और संजू बाबा के लिए भी मुझे सच में बहुत दुख हुआ, कितना झेला है उन्होंने. और सच में वैसे तो मैं सलमान खान की फ़ैन हूँ पर आज से ना मैं रणवीर कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ. हाँ प्लीज़ उनके पास ये मैसेज जरूर पहुँचाना. जो लास्ट वाला मुझे संजय दत्त और रणवीर कपूर वाला बहुत अच्छा लगा. और पूरे पिक्चर में जो एक सुनील दत्त और संजय दत्त के लिए जो परेश रावल और रणवीर कपूर का जो पूरा सॉन्ग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं तो 5 में से 10 दूंगी, इतना अच्छा. सच में बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी पिक्चर. क्लास मूवी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम किया. जो आखिरी सीन परेश रावल और संजय दत्त का था जो फ्लैशबैक में दिखाते हैं, बहुत क्लास मोमेंट था वो, बहुत अच्छा लगा मुझे. गाने भी अच्छे हैं उसके, स्टोरी बाकी पिक्चर अच्छी है. देख लो चार बहुत अच्छी थी पिक्चर और संजय दत्त की रियल स्टोरी काफ़ी अच्छी थी. एक्टिंग की बात की तो एक्चुअली मेरे को नहीं लगता कि रणवीर कपूर के अलावा ये कोई अच्छा एक्टिंग कर सकता था. काफ़ी रोल जचा है इन पर. आई थिंक 5 स्टार देना चाहिए. फैंटास्टिक, एकदम जैसा सोचा था उससे उम्मीद से भी ज़्यादा. इसमें रणवीर कपूर की काफ़ी मेहनत दिखाई दे रही है. उसमें जो कमलेश का करेक्टर था वो बहुत 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 अच्छा करेक्टर था और उन्होंने जो मेहनत करी है, जो उनकी एक्टिंग थी वो लाजवाब थी. इसके मुकाबले कोई नहीं. Full on. 5. बनी मूवी बहुत अच्छी थी, नो डाउट. और मैं कह रहा हूँ जैसे ऐतिहासिक मूवी बननी चाहिए थी उसी टाइप की मूवी बनी है बायोपिक संजय दत्त के ऊपर. और 5 में से 5 पॉइंट. और रणबीर कपूर इज द ऑसम एंड द बेस्ट एक्टर इन द. इतनी अच्छी थी कि आज का टैगलाइन मुझे सूत्रों के अनुसार छपा अखबार. अरे एक नंबर लगा मूवी, सही थी, बेस्ट. कुछ नहीं, बस मेरे को ऐसे डैडी चाहिए था एक संजय दत्त जैसा. कुछ नहीं वो अच्छा था. गुड मूवी, इट्स अ गुड मूवी, इट्स रियली. जो डैड वाला सीन था वो बहुत अच्छा था. आई वुड गिव इट अ 4.5. बहुत अच्छी, रणबीर इज सुपर्ब. बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत अच्छी. गाना भी बहुत अच्छा है एंड लाइक उसमें एंड लाइक ग्राफिक्स जो डाले, मतलब VFX इसे बहुत अच्छा है. बहुत अच्छी मूवी है, मतलब मच मस्ट वॉच. बेस्ट सीन इमोशनल जो दिखा है ना वो संजय दत्त और उसके डैड के साथ, वो बहुत अच्छा था. लाइक फुल 5. फुल बहुत जबरदस्त है. कौन सा बेस्ट है? एंड का बाबा बोलता है अभी बस हो गया. 5 out of 5. फुल. अरे बहुत जबरदस्त पिक्चर है. थैंक यू. हाँ जी बेटा. हाँ मुझे बहुत अच्छा. मुझे तो राजकुमार हिरानी साहब को कहना कि भगवान करे बहुत साल जिए और ऐसी फिल्में बनाते रहे. गुड. संजय दत्त के लिए तो सबको सुधार ही देगा ना वो. कमाल है. कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 5 में से 5. सारे. ओके बच्चे. कैसे लगे आपको? मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी और मैं फख्र करता हूँ कि राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर हमारे बॉलीवुड में हैं. और संजू बाबा की लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग लाइफ है. और मूवी के मतलब एक्टरों की बात करें तो
विक्की कौशल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और बहुत सुपर एक्टर है वो, और पिक्चर सभी पिक्चर के जैसी है, जैसे राजकुमार हिरानी साहब की बाकी और पिक्चर से हंसाती है, रुलाती है, मोटिवेट करती है, मुझे पिक्चर बहुत पसंद आई, मैं 5 स्टार देना चाहूँगा। सीखने मिले कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगा, बहुत सारी प्रेरणा मिली है मूवी से और मैं बहुत खुश हुआ पिक्चर देख के, थैंक यू। तो ये थी दर्शकों की राय फिल्म संजू को लेकर। इसके पहले फिल्म आई थी एम एस धोनी पर जो बनी थी, लोगों को खूब पसंद आई थी, लेकिन जब संजू आई है जो लोगों के दिलों पर राज कर रही है और साथ ही साथ उन्हें खूब पसंद भी आ रही है। और इस फिल्म में लोगों दर्शकों को फिल्म की स्टार कास्ट की एक्टिंग हो या गाने हो या फिल्म की कहानी हो, खूब पसंद आ रही है और लोग इस फिल्म को सराह रहे हैं। कैमरामैन खालिद के साथ ज्योति शर्मा, लहरी टीवी। इमोशनल सीन था जब वो अपने दोस्त को बता रहा था विकी कौशल को सारी स्टोरी की, कैसे जो है उनसे अलग हुआ था, वो एकदम फैंटास्टिक। 5/4। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छी लगी मैम। 4.5। अरे बोलो ना। बहुत अच्छी लगी, जो उसने ड्रग छोड़ दिया और लाइफ न्यू से चालू किए, बहुत अच्छी है ऐसा। 5 स्टार पूरा। यस, थैंक यू। इट वाज अ वेरी गुड मूवी। द मूवी वाज रियली नाइस, थैंक यू। I think 5/5, my husband is a Sanjay Dutt fan, so we had to watch it birthday for sure. It's an amazing movie. I think he's not a terrorist. Yeah, it's, yeah, he's inspiring for it. Yeah, father and son relationship is very good. 5/5. बहुत आउटस्टैंडिंग पिक्चर है और प्लीज़ मेरा ये मैसेज रणवीर कपूर के पास जरूर पहुंचाना कि यहाँ से उनकी लाइफ ना इतने टॉप पे पहुंचने वाली है। सच में पूरे पिक्चर में मैं बहुत रोई हूँ और इतनी अच्छी एक्टिंग की है रणवीर कपूर ने। और संजू बाबा के लिए भी मुझे सच में बहुत दुख हुआ, कितना झेला है उन्होंने। और सच में वैसे तो मैं सलमान खान की फ़ैन हूँ, पर आज से ना मैं रणवीर कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। प्लीज़ उनके पास ये मैसेज जरूर पहुँचा। जो लास्ट वाला मुझे संजय दत्त और रणवीर कपूर वाला बहुत अच्छा लगा, और पूरे पिक्चर में जो एक सुनील दत्त और संजय दत्त के लिए जो परेश रावल और रणवीर कपूर का जो पूरा सॉन्ग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो 5 में से 10 दूंगी, इतना अच्छा। सच में बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी पिक्चर, क्लास मूवी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम किया। जो आखिरी सीन परेश रावल और संजय दत्त का था, जो फ्लैशबैक में दिखाते हैं, बहुत क्लास मोमेंट था वो, बहुत अच्छा लगा मुझे। गाने भी अच्छे हैं उसके, स्टोरी बाकी पिक्चर अच्छी देख लें। 4। बहुत अच्छी थी पिक्चर और संजय दत्त की रियल स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। एक्टिंग की बात की तो एक्चुअली मेरे को नहीं लगता कि रणवीर कपूर के अलावा ये कोई अच्छा एक्टिंग कर सकता था, काफ़ी रोल जचा है इन पर। आई थिंक 5 स्टार देना चाहिए। फैंटास्टिक, एकदम जैसा सोचा था उससे उम्मीद से भी ज़्यादा। इसमें रणवीर कपूर की काफ़ी मेहनत दिखाई दे रही है। उसमें जो कमलेशा करेक्टर था वो बहुत 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 अच्छा करेक्टर था, और उन्होंने जो मेहनत करी है, जो उनकी एक्टिंग थी, वो लाजवाब थी। इसके मुकाबले कोई नहीं। Full on. 5.
बनी मूवी बहुत अच्छी थी नो डाउट, और मैं कह रहा हूँ जैसे ऐतिहासिक मूवी बननी चाहिए थी उसी टाइप की मूवी बनी है बायोपिक संजय दत्त के ऊपर, और 5/5 और रणबीर कपूर इज द ऑसम एंड द बेस्ट एक्टर इन द इतनी अच्छी थी कि आज का टैगलाइन मुझे सूत्रों के अनुसार छपा अखबार। अरे एक नंबर लगा मूवी सही थी बेस्ट। कुछ नहीं बस मेरे को ऐसे डैडी चाहिए था एक संजय दत्त जैसा। अच्छा था गुड मूवी इट्स अ गुड मूवी इट्स रियली। जो डैड वाला सीन था वो बहुत अच्छा था। आई वुड गिव इट अ 4.5। बहुत अच्छी रणबीर इज सुपर्ब, बहुत अच्छी एक्टिंग किया, बहुत अच्छी गाना भी बहुत अच्छा है एंड लाइक उसमें एंड लाइक ग्राफिक्स जो डाले मतलब VFX इसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मूवी है मतलब मच मस्ट वॉच। बेस्ट सीन इमोशनल जो दिखा है ना वो संजय दत्त और उसके डैड के साथ वो बहुत अच्छा था लाइक फुल फाय फुल। बहुत जबरदस्त है। कौन सा बेस्ट सीन है? एंड का बाबा बोलता है अभी बस हो गया वही बेस्ट। 5/5 फुल। अरे बहुत जबरदस्त पिक्चर है। थैंक यू। हाँ जी बेटा। हाँ मुझे बहुत अच्छा, मुझे तो राजकुमार हिरानी साहब को कहना कि भगवान करे बहुत साल जिए और ऐसी फिल्म में बनाते रहे। गुड। संजय दत्त के लिए तो सबको सुधार ही देगा ना वो, और कमाल है। कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 5/5 सारे। ओके बच्चे। कैसे लगे आपको? मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी और मैं फख्र करता हूँ कि राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर हमारे बॉलीवुड में हैं, और संजू बाबा की लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग लाइफ है, और मूवी के मतलब एक्टरों की बात करें तो विक्की कौशल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और बहुत सुपर एक्टर है वो, और पिक्चर सभी पिक्चर के जैसे जैसे राजकुमार हिरानी साहब की बाकी और पिक्चर्स है, हंसाती है, रुलाती है, मोटिवेट करती है, मुझे पिक्चर बहुत पसंद आई, मैं 5 स्टार देना चाहूँगा। सीखने मिले कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए कैसी भी सिचुएशन हो कुछ भी हो। मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगा, बहुत सारी प्रेरणा मिली है मूवी से और मैं बहुत खुश हुआ पिक्चर देख के। थैंक यू। तो ये थी दर्शकों की राय फिल्म संजू को लेकर। इसके पहले फिल्म आई थी MS धोनी पर जो बनी थी, लोगों को खूब पसंद आई थी, लेकिन जब संजू आई है जो लोगों के दिलों पर राज कर रही है और साथ ही साथ उन्हें खूब पसंद भी आ रही है, और इस फिल्म में लोगों दर्शकों को फिल्म की स्टार कास्ट की एक्टिंग हो या गाने हो या फिल्म की कहानी हो खूब पसंद आ रही है और लोग इस फिल्म को सराह रहे हैं। कैमरामैन खालिद के साथ ज्योति शर्मा, लहरी TV। इमोशनल सीन था जब वो अपने दोस्त को बता रहा था विकी कौशल को सारी स्टोरी की कैसे जो है उनसे अलग हुआ था, वो एकदम फैंटास्टिक। 5/4। ओके थैंक यू। बहुत अच्छी लगी मैम। 4.5। अरे बोलो ना। बहुत अच्छी लगी जो उसने ड्रग छोड़ दिया और लाइफ न्यू से चालू किए, बहुत अच्छी है ऐसा। 5 स्टार पूरा। यस थैंक यू। इट वाज अ वेरी गुड मूवी। द मूवी वाज रियली नाइस। थैंक यू। I think 5/5, my husband is a Sanjay Dutt fan, so we had to watch it birthday for sure. It's an amazing movie. I think he's not a terrorist.
Yeah, it's he's inspiring for it. Yeah, father and son relationship is very good. 5 on 5. बहुत आउटस्टैंडिंग पिक्चर है और प्लीज़ मेरा ये मैसेज रणवीर कपूर के पास जरूर पहुंचाना कि यहाँ से उनकी लाइफ ना इतने टॉप पे पहुंचने वाली है। सच में पूरे पिक्चर में मैं बहुत रोई हूँ और इतनी अच्छी एक्टिंग की है रणवीर कपूर ने। और संजू बाबा के लिए भी मुझे सच में बहुत दुख हुआ, कितना झेला है उन्होंने। और सच में वैसे तो मैं सलमान खान की फ़ैन हूँ पर आज से ना मैं रणवीर कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। हाँ प्लीज़ उनके पास ये मैसेज जरूर पहुँचा। जो लास्ट वाला मुझे संजय दत्त और रणवीर कपूर वाला बहुत अच्छा लगा और पूरे पिक्चर में जो एक सुनील दत्त और संजय दत्त के लिए जो परेश रावल और रणवीर कपूर का जो पूरा सॉन्ग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो 5 में से 10 दूंगी, इतना अच्छा। सच में बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी पिक्चर, क्लास मूवी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम किया। जो आखिरी सीन परेश रावल और संजय दत्त का था जो फ्लैशबैक में दिखाते हैं, बहुत क्लास मोमेंट था वो, बहुत अच्छा लगा मुझे। गाने भी अच्छे हैं उसके, स्टोरी बाकी पिक्चर अच्छी है, देख लें। अच्छा बहुत अच्छी थी पिक्चर और संजय दत्त की रियल स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। एक्टिंग की बात की तो एक्चुअली मेरे को नहीं लगता कि रणवीर कपूर के अलावा ये कोई अच्छा एक्टिंग कर सकता था, काफ़ी रोल जचा है इन पर। आई थिंक 5 स्टार देना चाहिए। फैंटास्टिक, एकदम जैसा सोचा था उससे उम्मीद से भी ज़्यादा। इसमें रणवीर कपूर की काफ़ी मेहनत दिखाई दे रही है। उसमें जो कमलेश का करेक्टर था वो बहुत 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 अच्छा करेक्टर था और उन्होंने जो मेहनत करी है, जो उनकी एक्टिंग थी वो लाजवाब थी। इसके मुकाबले कोई नहीं। बनी मूवी बहुत अच्छी थी, नो डाउट। और मैं कह रहा हूँ जैसे ऐतिहासिक मूवी बननी चाहिए थी उसी टाइप की मूवी बनी है बायोपिक संजय दत्त के ऊपर। और 5 में 5 पॉइंट और रणबीर कपूर इज़ द ऑसम एंड द बेस्ट एक्टर इन द। इतनी अच्छी थी कि आज का टैगलाइन मुझे सूत्रों के अनुसार छपा अखबार। अरे एक नंबर लगा मूवी, सही थी, बेस्ट। कुछ नहीं, बस मेरे को ऐसे डैडी चाहिए था, एक संजय दत्त जैसा। कुछ नहीं हो, अच्छा था, गुड मूवी, इट्स अ गुड मूवी, इट्स रियली। जो डैड वाला सीन था वो बहुत अच्छा था। आई वुड गिव इट अ 4.5। बहुत अच्छी, रणबीर इज सुपर्ब, बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत अच्छी। गाना भी बहुत अच्छा है एंड लाइक उसमें एंड लाइक ग्राफिक्स जो डाले, मतलब VFX इसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मूवी है, मतलब मच मस्ट वॉच। बेस्ट सीन इमोशनल जो दिखा है ना वो संजय दत्त और उसके डैड के साथ, वो बहुत अच्छा था, लाइक फुल 5 फुल। बहुत जबरदस्त है। कौन सा बेस्ट सीन है? एंड का बाबा बोलता है अभी बस हो गया। वही बस। 5 out of 5 फुल। अरे बहुत जबरदस्त पिक्चर है। थैंक यू। हाँ जी बेटा, हाँ मुझे बहुत अच्छा, मुझे तो राजकुमार हिरानी साहब को कहना कि भगवान करे बहुत साल जिए और ऐसी फिल्में बनाते रहे। गुड। संजय दत्त के लिए तो सबको सुधार ही देगा ना वो, और रणवीर कपूर के लिए कमाल है। कितने स्टार्स देना चाहेंगे 5 में से? सारे। ओके बेटा, कैसे लगे आपको? मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी और मैं फख्र करता हूँ कि राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर हमारे बॉलीवुड में हैं। और संजू बाबा की लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग लाइफ है। और मूवी के मतलब एक्टरों की बात करें तो विक्की कौशल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और बहुत सुपर एक्टर है वो। और पिक्चर सभी पिक्चर के जैसी है, जैसे राजकुमार हिरानी साहब की बाकी और पिक्चर्स है, हंसाती है, रुलाती है, मोटिवेट करती है। मुझे पिक्चर बहुत पसंद आई, मैं 5 स्टार देना चाहूँगा।
सीखने मिले कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो। मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगा, बहुत सारी प्रेरणा मिली है मूवी से और मैं बहुत खुश हुआ पिक्चर देख के। थैंक यू। तो ये थी दर्शकों की राय फिल्म संजू को लेकर। इसके पहले फिल्म आई थी एमएस धोनी पर जो बनी थी, लोगों को खूब पसंद आई थी, लेकिन जब संजू आई है जो लोगों के दिलों पर राज कर रही है और साथ ही साथ उन्हें खूब पसंद भी आ रही है। और इस फिल्म में लोगों दर्शकों को फिल्म की स्टार कास्ट की एक्टिंग हो या गाने हो या फिल्म की कहानी हो खूब पसंद आ रही है और लोग इस फिल्म को सराह रहे हैं। कैमरामैन खालिद के साथ ज्योति शर्मा, लहरी टीवी। इमोशनल सीन था जब वो अपने दोस्त को बता रहा था विकी कौशल को सारी स्टोरी की, कैसे जो है उनसे अलग हुआ था, वो एकदम फैंटास्टिक। हाँ, 5/4। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छी लगी मैम। 4.5। अरे बोलो ना। बहुत अच्छी लगी। तो उसने ड्रग छोड़ दिया और लाइफ न्यू से चालू की। बहुत अच्छी है ऐसा। 5 स्टार पूरा। यस, थैंक यू। इट वाज अ वेरी गुड मूवी। द मूवी वाज रियली नाइस, थैंक यू। I think 5/5, my husband is a Sanjay Dutt fan, so we had to watch it birthday for sure. It's an amazing movie. I think he's not a terrorist. Yeah, he's inspiring for it. Yeah, father and son relationship is very good. 5/5. बहुत आउटस्टैंडिंग पिक्चर है और प्लीज़ मेरा ये मैसेज रणवीर कपूर के पास जरूर पहुंचाना कि यहाँ से उनकी लाइफ ना इतने टॉप पे पहुंचने वाली है। सच में पूरे पिक्चर में मैं बहुत रोई हूँ और इतनी अच्छी एक्टिंग की है रणवीर कपूर ने। और संजू बाबा के लिए भी मुझे सच में बहुत दुख हुआ, कितना झेला है उन्होंने। और सच में वैसे तो मैं सलमान खान की फ़ैन हूँ पर आज से ना मैं रणवीर कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। हाँ, प्लीज़ उनके पास ये मैसेज जरूर पहुँचाना। जो लास्ट वाला मुझे संजय दत्त और रणवीर कपूर वाला बहुत अच्छा लगा और पूरे पिक्चर में जो एक सुनील दत्त और संजय दत्त के लिए जो परेश रावल और रणवीर कपूर का जो पूरा सॉन्ग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो 5 में से 10 दूंगी, इतना अच्छा। सच में बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी पिक्चर, क्लास मूवी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम किया। जो आखिरी सीन परेश रावल और संजय दत्त का था जो फ्लैशबैक में दिखाते हैं, बहुत क्लास मोमेंट था वो। बहुत अच्छा लगा मुझे। गाने भी अच्छे हैं उसके, स्टोरी बाकी पिक्चर अच्छी है। देख लें, 4। बहुत अच्छी थी पिक्चर और संजय दत्त की रियल स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। एक्टिंग की बात की तो एक्चुअली मेरे को नहीं लगता कि रणवीर कपूर के अलावा ये कोई अच्छा एक्टिंग कर सकता था। काफ़ी रोल जचा है इन पर। I think 5 स्टार देना चाहिए। फैंटास्टिक, एकदम जैसा सोचा था उससे उम्मीद से भी ज़्यादा। इसमें रणवीर कपूर की काफ़ी मेहनत दिखाई दे रही है। उसमें जो कमलेश का करेक्टर था वो बहुत 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 अच्छा करेक्टर था और उन्होंने जो मेहनत करी है, जो उनकी एक्टिंग थी वो लाजवाब थी। इसके मुकाबले कोई नहीं। Full on. 5. बनी मूवी बहुत अच्छी थी, नो डाउट। और मैं कह रहा हूँ जैसे ऐतिहासिक मूवी बननी चाहिए थी उसी टाइप की मूवी बनी है बायोपिक संजय दत्त के ऊपर। और 5/5 पॉइंट। और रणबीर कपूर इज द ऑसम एंड द बेस्ट एक्टर इन द। इतनी अच्छी थी कि आज का टैगलाइन मुझे सूत्रों के अनुसार छपा अखबार। अरे एक नंबर लगा मूवी।
सही थी बेस्ट। कुछ नहीं बस मेरे को ऐसे डैडी चाहिए था, एक संजय दत्त जैसा। कुछ नहीं अच्छा था। गुड मूवी, इट्स अ गुड मूवी, इट्स रियली। जो डैड वाला सीन था वो बहुत अच्छा था। आई वुड गिव इट अ 4.5। बहुत अच्छी, रणबीर इज सुपर्ब, बहुत अच्छी एक्टिंग किया, बहुत अच्छी। गाना भी बहुत अच्छा है एंड लाइक उसमें एंड लाइक ग्राफिक्स जो डाले मतलब VFX इसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मूवी है, मतलब मच मस्ट वॉच। बेस्ट सीन इमोशनल जो दिखा है ना वो संजय दत्त और उसके डैड के साथ, वो बहुत अच्छा था, लाइक फुल फाइव फुल। बहुत जबरदस्त है। कौन सा बेस्ट सीन है? एंड का बाबा बोलता है अभी बस हो गया। वही बेस्ट। 5 out of 5 फुल। अरे बहुत जबरदस्त पिक्चर है। थैंक यू। हाँ जी बेटा। हाँ मुझे बहुत अच्छा, मुझे तो राजकुमार हिरानी साहब को कहना कि भगवान करे बहुत साल जिए और ऐसी फिल्में बनाते रहे। गुड। संजय दत्त के लिए तो सबको सुधार ही देगा ना वो, कमाल है। कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 5 में से? सारे। ओके बेटा। कैसे लगे आपको? मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी और मैं फख्र करता हूँ कि राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर हमारे बॉलीवुड में हैं। और संजू बाबा की लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग लाइफ है। और मूवी के मतलब एक्टरों की बात करें तो विक्की कौशल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और बहुत सुपर एक्टर है वो। और पिक्चर सभी पिक्चर के जैसे है, जैसे राजकुमार हिरानी साहब की बाकी और पिक्चर्स है, हंसाती है, रुलाती है, मोटिवेट करती है। मुझे पिक्चर बहुत पसंद आई, मैं 5 स्टार देना चाहूँगा। सीखने मिले कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो। मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगा, बहुत सारी प्रेरणा मिली है मूवी से और मैं बहुत खुश हुआ पिक्चर देख के। थैंक यू। तो ये थी दर्शकों की राय फिल्म संजू को लेकर। इसके पहले फिल्म आई थी MS धोनी पर जो बनी थी, लोगों को खूब पसंद आई थी, लेकिन जब संजू आई है जो लोगों के दिलों पर राज कर रही है और साथ ही साथ उन्हें खूब पसंद भी आ रही है। और इस फिल्म में लोगों दर्शकों को फिल्म की स्टार कास्ट की एक्टिंग हो या गाने हो या फिल्म की कहानी हो खूब पसंद आ रही है और लोग इस फिल्म को सराह रहे हैं। कैमरामैन खालिद के साथ ज्योति शर्मा, लहरी टीवी। इमोशनल सीन था जब वो अपने दोस्त को बता रहा था विकी कौशल को सारी स्टोरी की, कैसे जो है उनसे अलग हुआ था, वो एकदम फैंटास्टिक। 5 of 4। ओके थैंक यू। बहुत अच्छे लगे मैम। 4.5। अरे बोलो ना। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। जो उसने ड्रग छोड़ दिया और लाइफ न्यू से चालू के, बहुत अच्छी है। ऐसा 5 स्टार पूरा। यस थैंक यू। इट वाज अ वेरी गुड मूवी। द मूवी वाज रियली नाइस। थैंक यू। I think 5 on 5, my husband is a Sanjay Dutt fan, so we had to watch it birthday for sure. It's an amazing movie. I think he's not a terrorist. He's inspiring for it. Yeah, father and son relationship is very good. 5 on 5.
बहुत आउटस्टैंडिंग पिक्चर है और प्लीज़ मेरा ये मैसेज रणवीर कपूर के पास जरूर पहुंचाना कि यहाँ से उनकी लाइफ ना इतने टॉप पे पहुंचने वाली है। सच में पूरे पिक्चर में मैं बहुत रोई हूँ और इतनी अच्छी एक्टिंग की है रणवीर कपूर ने। और संजू बाबा के लिए भी मुझे सच में बहुत दुख हुआ, कितना झेला है उन्होंने। और सच में वैसे तो मैं सलमान खान की फ़ैन हूँ पर आज से ना मैं रणवीर कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। हाँ प्लीज़ उनके पास ये मैसेज जरूर पहुँचाना। जो लास्ट वाला मुझे संजय दत्त और रणवीर कपूर वाला बहुत अच्छा लगा और पूरे पिक्चर में जो एक सुनील दत्त और संजय दत्त के लिए जो परेश रावल और रणवीर कपूर का जो पूरा सॉन्ग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो 5 में से 10 दूंगी, इतना अच्छा। सच में बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी पिक्चर, क्लास मूवी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम किया। जो आखिरी सीन परेश रावल और संजय दत्त का था जो फ्लैशबैक में दिखाते हैं, बहुत क्लास मोमेंट था वो, बहुत अच्छा लगा मुझे। गाने भी अच्छे हैं उसके, स्टोरी बाकी पिक्चर अच्छी है। देख लो 4 बहुत अच्छी थी पिक्चर और संजय दत्त की रियल स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। एक्टिंग की बात की तो एक्चुअली मेरे को नहीं लगता कि रणवीर कपूर के अलावा ये कोई अच्छा एक्टिंग कर सकता था, काफ़ी रोल जचा है इन पर। आई थिंक 5 स्टार देना चाहिए। फैंटास्टिक, एकदम जैसा सोचा था उससे उम्मीद से भी ज़्यादा। इसमें रणवीर कपूर की काफ़ी मेहनत दिखाई दे रही है। उसमें जो कमलेश का करेक्टर था वो बहुत 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 अच्छा करेक्टर था और उन्होंने जो मेहनत करी है, जो उनकी एक्टिंग थी वो लाजवाब थी। इसके मुकाबले कोई नहीं। बनी मूवी बहुत अच्छी थी, नो डाउट। और मैं कह रहा हूँ जैसे ऐतिहासिक मूवी बननी चाहिए थी उसी टाइप की मूवी बनी है बायोपिक संजय दत्त के ऊपर। और 5 में से 5 पॉइंट और रणबीर कपूर इज द ऑसम एंड द बेस्ट एक्टर इन द। इतनी अच्छी थी कि आज का टैगलाइन मुझे सूत्रों के अनुसार छपा अखबार।